Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ की अपकमिंग मूवी के बारे में। दोस्तों कैटरीना कैफ जितनी खूबसूरत एक्ट्रेस है उतनी ही महंगी एक्ट्रेस है। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ एक मूवी की फीस लेती है 9 से 10 करोड़। और दोस्तों कैटरीना के फैंस को उनकी मूवीज़ का वेट रहता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और आप भी अगर कैटरीना कैफ के ट्रू फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं जो फिल्म आने वाली है वो है सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं। इस फिल्म में हमें सुपर हिट जोड़ी देखने को मिलेंगी जो है स्टार कास्ट में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ दिखाई देगी। दोस्तों ये एक एक्शन फिल्म रहेगी और इस फिल्म में कैमियो रहेगा अजय देवगन और रणवीर सिंह का। दोस्तों ये फिल्म पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज़ होने वाली थी पर कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन होने की वजह से इस फिल्म को डिले कर दिया है। अब ये फिल्म शायद ईद 2020 को रिलीज़ हो सकती है। दोस्तों अब दूसरी फिल्म के बारे में बात करते हैं कैटरीना कैफ की, जो उसका नाम है सत्ते पे सत्ता। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में कैटरीना के ऑपोजिट हमें ऋतिक रोशन दिखाई देंगे जो कि इससे पहले बैंग बैंग में दिखाई दे चुके हैं। दोस्तों सत्ते पे सत्ता एक रीमेक फिल्म रहेगी और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी और फराह खान। सत्ते पे सत्ता फिल्म एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी फिल्म रहेगी और ये फिल्म रिलीज होगी 2020 के एंड में यानी दिसंबर 2020 में। दोस्तों उसके बाद जो फिल्म है कैटरीना कैफ की वो है टाइगर जिंदा है 3। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3। इस फिल्म की स्टार कास्ट में मेगा स्टार सलमान खान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ दिखाई देगी और ये एक एक्शन फिल्म रहेगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको बता दूं कि सलमान खान और कैटरीना की बॉलीवुड की सबसे बेस्ट जोड़ी मानी जाती है। वो दोनों जिस फिल्म में आते हैं वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी। दोस्तों टाइगर जिंदा है 3 फिल्म रिलीज होगी क्रिसमस 2021 में और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जो कि टाइगर जिंदा है को भी डायरेक्शन दी थी। और अब हम बात करते हैं फिल्म नंबर 4 के बारे में। इस फिल्म का नाम है बैंग बैंग 2। जी हाँ दोस्तों, बैंग बैंग फिल्म जो थी वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट साबित हुई थी और इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ दिखाई देंगे। ये एक एक्शन से भरपूर फिल्म रहेगी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होगी 2021 में। अभी इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये चारों फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।